Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you are already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Assalamu alaikum, dear viewers. My name is Iqra Fayaz and I am student of BS Clinical Psychology. Today in this video, we are going to tell you about autism. Autism is a broad term that used to describe a group of neurodevelopment conditions. Autism एक बच्चे की ज़िंदगी के पहले 3 साल के अंदर ही अपेयर हो जाता है. Autism बच्चे की ब्रेन की नॉर्मल ग्रोथ को अफेक्ट करता है, जैसे कि उसकी वर्बल स्किल्स को अफेक्ट करता है, उसकी नॉन वर्बल स्किल्स को अफेक्ट करता है, उसकी स्पीचिंग स्किल्स को अफेक्ट करता है. जो autism का बच्चा होता है वो सोशलाइज नहीं हो सकता, वो लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है. ऑटिस्टिक चाइल्ड अपनी ही दुनिया में मगन रहना पसंद करता है. ही डिड नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन इन हिज वर्क. इफ एनी वन ट्राइज टू डिस्टर्ब हिम ही विल स्टिल फोकस ऑन हिज वर्क. ही डिड नॉट केयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन हिज सराउंडिंग. ही इज़ वेरी पुअर इन मेकिंग हिज सोशल रिलेशनशिप विद अदर. ही फेस मैनी डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेशन. इवन समटाइम ही इज़ अनएबल टू रिस्पॉन्ड समवन. हम आपके साथ ऑटिज़म के बेसिक सिम्टम्स शो करना चाहते हैं, जिसमें जो सबसे मेन और फोकस्ड हमारे पास इशू है, वो जो सिम्टम है बेसिकली वो आई कॉन्टेक्ट है. कि जो ऑटिज़म का पेशेंट होता है वो आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता, वो अपना सोशल नेटवर्क एक अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर पाता, क्योंकि उसको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में इशू फील होता है. और इसी तरह जब उसको किसी से बात करना होती है तो वो अपना आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता. जैसे कि पार्क में मुख्तलिफ बच्चे खेल रहे हैं और जो ऑटिज़म का पेशेंट है वो किसी से ना तो आई कॉन्टेक्ट कर पा रहा है, ना ही किसी से सोशल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पा रहा है. ऑटिज़म का जो पेशेंट चाइल्ड है बेसिकली वो ऐसे टॉयज़ के साथ खेलना ज़्यादा प्रेफर करता है जिसमें स्पिनिंग और रोटेटिंग का ऑप्शन हो. वो ज़्यादा ऐसे टॉयज़ को प्रेफर करेगा. और इसके अलावा जो दूसरा सिम्टम है वो ये है कि वो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज देखना चाहता है, उसको मेस पसंद नहीं होता, और वो लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत डिमांड करता है. ही डू नॉट लाइक चेंजिंग्स. जैसे कि एक जो बच्चा है वो स्पिनिंग टॉय के साथ खेल रहा है, वो नहीं चाहेगा, उसको दूसरों से कोई इंट्रैक्शन में दिलचस्पी नहीं है, और वो चाहता है, और अगर किसी ने उसकी चीज़ें ख़राब कर दी हैं तो वो चाहेगा कि वो अपनी चीज़ें फ़ौरन ठीक कर ले, और वो फ़ौरन ठीक करे. एज प्रीवियसली डिस्कस्ड कि ऑटिज़म के चाइल्ड को अपनी किसी भी चीज़ में चेंजिंग पसंद नहीं होती, इसी तरह उसको अपनी फूड में भी, अगर उसको जो स्पेसिफिक फूड पसंद है उसके अलावा कोई फूड प्रोवाइड की जाए तो ही डू नॉट लाइक दिस. एंड वो चाहेगा कि ये एहतजाज करेगा कि मुझे ये फूड नहीं चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग एल्स, द थिंग दैट इज लाइक द मोस्ट एंड लाइक मोर, वी कैन से दैट ही प्रेफर दैट फूड. अगर आप उसको ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक आप उसको एक केक प्रोवाइड कर रहे हो जो वो नहीं खाना चाह रहा, वो सिंपली कहेगा कि भी आई डोंट वॉन्ट टू ईट दिस. अगर आप उसे कह रहे हो कि आप उसको चॉकलेट प्रोवाइड कर रहे हो विद डिफरेंट फ्लेवर्स, यू डोंट वॉन्ट टू टेक दोज, और आप वो कहेगा कि अगर आप उसको इंसिस्ट करोगे तो वो उस बात पे बिगड़ जाएगा. बेसिकली 3 लेवल होते हैं. जो फर्स्ट लेवल होता है इसमें एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है कि दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता, इसे दूसरों के साथ ताल्लुक बनाने में डिफिकल्टी होती है. मिसाल के तौर पर एक पार्क में बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं क्योंकि वो नॉर्मल बच्चे होते हैं, इसलिए वो खेल रहे होते हैं. जबकि एक ऑटिस्टिक बच्चा साइड पर बैठा रहता है, वो किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करता, उसे ताल्लुक बनाने नहीं आते, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं. तो
ऑटिज्म का दूसरा लेवल फर्स्ट वाले लेवल से ज्यादा संगीन होता है। ऑटिज्म के दूसरे लेवल वाले बच्चे सोशल ताल्लुक नहीं बना पाते, इन्हें दूसरों के साथ ताल्लुक बनाने में डिफिकल्टी होती है जो कि फर्स्ट वाले लेवल से ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल बच्चा एक ऑटिस्टिक बच्चे से अस्सलाम वालेकुम कहता है या उसका नाम पूछता है, एक ऑटिस्टिक बच्चा अपना नाम नहीं बता सकता, वो दूसरों के साथ ताल्लुक नहीं कायम रख सकता, वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता और ना ही वो दूसरों के साथ आई कॉन्टैक्ट रखता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? मैं भी ठीक। और आप नजर नहीं आई इतने दिनों से। बस ऐसे ही मसरूफियत रही कुछ। सही, बच्चों को लेकर आई हैं आज साथ? हाँ जी, ये बच्चा आपके पास जी ना? जी चलो बेटा सलाम लो। सलाम अलैकुम बेटा, सालो सालो। क्या नेम है? अब्दुल्ला। तबीयत सही है इसकी? हाँ बस ऐसे ही है। चलो बेटा फ्रेंडशिप करो, खेलो इसके साथ। अब्दुल्ला खेले खेले, अब्दुल्ला खेले खेले खेले। ऑटिज्म का तीसरा लेवल फर्स्ट वाले लेवल और सेकंड वाले लेवल से ज़्यादा संगीन होते हैं। इसमें ऑटिस्टिक बच्चे आज़ादाना नहीं रह सकते, आज़ादाना बात नहीं कर सकते, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर होती है, इनका बिहेवियर रेपिटेटिव होता है, ये चेंजेस को अहमियत नहीं देते, ये सेंसिटिव स्टिमुलस के हवाले से भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये नहीं चाहते कि इनके कपड़ों पर कोई कीचड़ या गारा वगैरह लगे, अगर गलती से भी इनके कपड़ों पर कीचड़ या गारा लग जाए तो इनका बिहेवियर रूड हो जाता है, ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्या हुआ इसको? ये बचपन से ऐसे है? जी ये बचपन से ही ऐसे है। क्या ये मैंने अभी देखा ना इसको, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। तो आपने किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाया? नहीं अभी नहीं दिखाया। अच्छा साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए? इसका ना मेंटली मुझे लगता है डिस्टर्ब है थोड़ा ना। ये तो शुरू से ही ऐसा है, मतलब शुरू से इसको बाहर भी लेके जाऊँ घर में भी ऐसे ही करता है, जिद करता है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, सोशली इंगेज नहीं होता बच्चों से। आप इसको समझाया करें बैठ के कि नहीं सुनता बात? नहीं सुनता बात, आंखें ही नहीं मिलाता, बात सही तरह करता ही नहीं, मैं काफ़ी परेशान हूँ इसकी वजह से। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको एक साइकोलॉजिस्ट का बताती हूँ, उसके पास आप जाइएगा तो वो आपको ये बताएगा इसका कैसे इससे आपने कम्युनिकेट करना है। पार्क में फिर लेके जाइएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। ऑटिस्टिक है उसकी, ये काफी सारे बच्चों में ये टर्म्स पाई जाती हैं, ये अक्सर जब इनकी बर्थ होती है तब केमिकल चेंजेस की वजह से इनके साथ इस तरह हो जाता है। और आपने बताया कि ये रोया नहीं था तो वो नॉर्मल नहीं था, तब पता नहीं क्यों डॉक्टर्स ने बोला होगा कि ये नॉर्मल है, उसकी वजह से ये इस तरह का बिहेवियर। आपके जब दूसरे बच्चे पैदा हुए थे वो रोए थे? जी वो रोए थे। वो नॉर्मल, तब भी डॉक्टर ने बोला होगा नॉर्मल है? हाँ ये होता है काफी बच्चों में ना। और आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और इसके सेशन होंगे और ये बिल्कुल ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, इसको स्पीच थेरेपीज दी जाएंगी क्योंकि आपने बोला है कि ये रेपिटेटिव बिहेवियर शो करता है और ये स्पीच बिल्कुल नहीं डिलीवर कर सकता है, जैसे अभी मैंने इससे बात की है, उसने मुझे नहीं देखा ना उसने मुझसे बात की है, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी इसके सेशंस चलेंगे फिर मैं आपको इसकी डिटेल देना बताती रहूँगी साथ साथ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड bell icon button so that you may know our upcoming video regarding the child disorders and theories and much more. Thank you very much and have a very good and nice day. Thank you.